नमस्कार, मैं प्रदेश समाचार न्यूज चैनल से राधा वासने आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम प्रधान जी के गांव में प्रधान जी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। प्रधान जी अपना परिचय दो। मैं राजेश कुमार शर्मा, ग्राम अहमदपा, तहसील अतरौली, यहाँ पर अपने गांव के लिए जो विकास कार्य हैं उनके लिए तत्पर रहूँगा और जो समस्या हैं गाँव की उन्हें आगे तक पहुंचाऊंगा, उन्हें ख़त्म भी करूंगा। और जो भी मेरे यहाँ से मेरे से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो पूरे होंगे। प्रधान जी, आप कितने पद से जीते हो? मैं 333 वोटों से जीता हूँ इस टाइम। प्रधान जी, और फिर आपने सैनिटाइजर कई बार कराया है? सैनिटाइजर मैंने 2 बार करा दिया है और अभी जो डेंगू और मलेरिया की शिकायतें जैसे मिल रही हैं और जगह से, उसके लिए भी मैं पाउडर वगैरह मंगा करके सैनिटाइज कराऊंगा उसे भी। और सफाई की तरफ मेरा विशेष ध्यान है, उसके लिए मेरे गांव की जो नालियां हैं या सड़कें हैं उन पर बहुत विशेष कर ध्यान देकर सफाई करा रहा हूं। प्रधान जी, पंचायत भवन में क्या चल रहा है? अभी पंचायत भवन निर्माणाधीन है, उसके लिए जो कार्य है जो सहायक है उसे भी हमने प्रणोदित कर लिया है। आने वाले समय में 15 या 20 दिन में जैसे भी तैयार हो जाएगा उसके कार्य फिर संपूर्ण, जैसे जनसेवा केंद्र है वैसा ही वहाँ पर सिस्टम लगाया जाएगा। प्रधान जी, यहाँ स्कूल कितने तक है? यहाँ स्कूल इंटर तक है और जो सुविधाएं उनको मिड डे वगैरह है, जो छोटे स्कूल हैं उनमें भी हम लोग मिड डे दे रहे हैं और जो भी मास्टर हैं उनको भी प्रोत्साहित करते हैं हम और बच्चों को भी प्रोत्साहित करते हैं समय समय पर जा करके। आंगनबाड़ी की जो आंगनबाड़ी है हमारा उनको भी हम बुला करके समझाते हैं और जो सुझाव होते हैं उनसे भी लेते हैं और वो अपने भी देते हैं। प्रधान जी, आपने वृद्धा विधवा पेंशन वगैरह मतलब फार्म वगैरह जो आए थे आपने कितने भरवा चुके हो? जो भी मेरे पास आ रहा है, गिनती तो नहीं है मेरे पास कोई भी, जो भी आता है मैं सुलझाने की कोशिश करता हूँ। जो है सारे कागज, जैसे वृद्धा है, विकलांग है, जो भी पेंशन है, जो पात्र हैं उनके लिए उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रधान जी, विकलांग कितनी परसेंट पे पेंशन बननी चाहिए? 40% से ऊपर ही होनी चाहिए कम से कम। तो जो भी आते हैं देख करके, वो CMO जो हमारे अतरौली क्षेत्र के हैं उनसे सर्टिफिकेट आता है तभी वो पेंशन बनती है। प्रधान जी, इस गांव की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या करीबन नहीं 4000 के समथिंग तकरीबन पहुँच चुकी है। लेडीजों की कितनी होगी जनसंख्या? लेडीजों की 1500 के समथिंग। हाँ, बच्चों की? अब बच्चों की जो है देखिए अभी तो नहीं मालूम मेरे को इतना, क्योंकि मैंने अभी 10 साल से मैंने यहाँ रहना चालू किया है। अच्छा। हाँ, पहले कहाँ रहते थे आप? काशम पावरोस। अच्छा। जी प्रधान जी, और कुछ कहना चाहोगे आप? मेरा सुझाव यही है सभी के लिए कि अपने गांव, अपना क्षेत्र साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें, सबका साथ लें, सबका विकास के लिए रखें, अपनी उम्मीदों को खरे उतरें। प्रधान जी, आपने मास्क वगैरह तो बंटवाए नहीं बंटवाए? मास्क भी बंटवाए हैं और साबुन, जो हाथ धोने के लिए जो पात्र थे उनके लिए साबुन भी हमने बंटवाए हैं। तो राशन कैसा बंट रहा है यहाँ पर? राशन जो डीलर हैं उनके द्वारा बढ़ता है, कभी कभार मैं भी चेक करने चला जाता हूँ और समय समय पर मैं भी चेकिंग करता रहता हूँ। और कुछ कहना चाहोगे प्रधान जी? आंगनवाड़ी वगैरह? आंगनवाड़ी हमारी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय 15-16 तारीख से आंगनवाड़ी चालू हो जाएगी। जिनका जो सामान आता है वो वहीं से बटेगा। तो यहाँ आंगनवाड़ी नहीं है? आंगनवाड़ी है। तो फिर क्यों नहीं सामान? अभी जो कोरोना का समय चल रहा है उसके चलते हुए छोटे बच्चों को अभी बुलाया नहीं जा रहा है, तो उससे जो सामान आता है उनके घर पे पहुंचा दिया जाता है। जो आंगनवाड़ी की जो लेडीजें हैं वो अपना वितरित कर देती हैं। अच्छा। तो आने वाले समय में जो भी सामान बटेगा वो आंगनवाड़ी से ही बटेगा। और कुछ कहना चाहोगे प्रधान जी? बस सब खुश रहें। ठीक, ऐसे ही
वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।